मानव समाचार मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धुलिया से जमील शाह की रिपोर्ट। धुले शिरपुर शहर पुलिस ने पकड़ा 2.5 करोड़ रुपए का गुटखा। 1,64,00,000 रुपए का गुटखा और 90,00,000 रुपए की 2,54,14,000 रुपए की गाड़ियां पुलिस ने जब्त की। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत दिवरे ने शिरपुर और केके का दौरा दिया। पाटिल और साथियों की पीठ थपथपाई। इंस्पेक्टर केके पाटिल को सूचना मिली थी कि गुजरात से महाराष्ट्र तक गुटखा की तस्करी शुरू हो गई है। उन्होंने अपने साथियों को आदेश देकर शहादा फाटा और शिरपुर शहादा रोड पर अलग अलग जगहों पर जाल बिछाया। माल ट्रक UP-17GT-0221 अशोक लेलैंड वाहन MH-18BZ-0728GJ-12 AU-9886 और माल ट्रक GJ-27X-7680 को जब्त कर लिया गया है। इन वाहनों की तलाशी के दौरान चंदन स्वीट सुपारी ईगल हुक्का शीशा तंबाकू होला हुक्का शीशा तंबाकू भर रहे थे। विमल पान मसाला V1 तंबाकू महाराष्ट्र में बिक्री हेतु प्रतिबंधक गुटखा जब्त किया गया। नंदलाल सीताराम पाटिल किन्नर प्रदीप पाड़ा सोनवाने ड्राइवर शादाब अब्दुल हनीफ 28 वर्ष किन्नर मोहम्मद जिशान अब्दुल हनीफ 23 वर्ष ड्राइवर सरवर खान मोमिन खान उम्र 42 ड्राइवर साहेब अहमद आसिन अहमद उम्र 40 साल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर पोलीस स्टेशन मध्ये 2 वेगवेगळ्या घटनांमध्ये जवळजवळ 2,54,00,000 मुद्देमाल आपण गुटखा आणि जो बँक टोबॅको आहे त्याचा जप्त केलेला आहे। त्याच्यामध्ये पहिली जी घटना आहे ती सकाळी 6:15 इंदोरकडून धुळ्याकडे येणारा एक वाहन क्रमांक MH-18BZ-728 हा आपल्याला एक PI पाटील यांना एक गुप्त माहिती मिळाल्यावरनं तो आढळण्यात आला। त्याच्यामध्ये 2 आरोपी ने आहेत नंदलाल सीताराम पाटील आणि क्लीनर आहे प्रदीप दगा सोनवणे। तर यांच्याकडून साधारणतः 20 लाखांचा माल बॅन केलेला गुटखा आणि विविध सुपारी हा जप्त करण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे शहादा मार्गाने शिरपूर येणाऱ्या 3 मालट्रक अडवले असता त्याच्यामध्ये 4 आरोपी आहेत आणि एकूण हा दोघांचा माल म्हणून 2,54,00,000 आसपास हा माल आहे। त्याच्यामध्ये V1 टोबॅको विमल पान मसाला त्याचप्रमाणे ईगल हुक्का तंबाखू असा हा संपूर्ण माल आहे आणि याच्यामध्ये 6 आरोपी सध्या अटक करण्यात आलेले आहेत।